एग्जॉस्ट भी इसका चिंगाड़े मार रहा है एकदम। अगर फुल सिस्टम होता ना तो अभी तक कान में दर्द हो चुके होते हैं। मारने लग गया तो सीधा इस ब्रोकन भाई की बाइक में कुछ दिक्कत आ गई थी एंड वो सब सही कराने में ना हमें 3-4 घंटे लग चुके हैं। लगभग 12 बजे हम रुके थे बाइक सही करवाने एंड जहाँ पे हम लोग रुके थे उस जगह का नाम था रामपुर तिराहा आता है जहाँ पे। सो वहाँ पे हमें लगभग 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, अब लगभग 5 बज चुके हैं। सो अब निकल रहे हैं हम घर के लिए एंड काफ़ी लेट हो गई। तो अब हम लोगों ने हरिद्वार वाला हाईवे ना पकड़ के डाटकाली वाले रूट से जाना सही समझा, क्योंकि वो हाईवे काफ़ी लंबा है एंड यहाँ से हम पूरा सर्कट टाइप का मान लेंगे एंड इधर से हाईवे सीधा हमें ISBT कनेक्ट कर देगा। तो इससे प्रीवियस वाले पार्ट में आपने देखा होगा कि हम लोग 5 जने थे बट प्रत्युष भाई चल गए थे डोमिनार 400 वाले, क्योंकि उन्हें घर में कुछ काम था। सो रोगन बाइक की बाइक से होने में तो टाइम लग रहा था, सो इस वजह से प्रत्युष भाई चल गए एंड अब हम 4 लोग जा रहे हैं घर। एंड घर अभी लगभग है हमारा 120 से 130 किलोमीटर होगा आई थिंक। तो जल्दी से कवर करना पड़ेगा अंधेरा होने से पहले, वैसे अंधेरा तो हो ही जाएगा बट कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो पाए कवर। सर मैं आ चुका हूँ अब मास्क की Z800 पे एंड ब्रो का वहीं चला रहा है, मेरी थी 90 और वो पेल रखी उन्होंने पूरी, और मास्क की चला रहा है 220 एंड पीछे विराज भाई आ रहे हैं V3 पे। सो अभी अभी Z800 खुली है 178 एंड उससे ज़्यादा मैंने खोली नहीं क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक हो रहा है एंड इतना काफ़ी है दूसरी की बाइक में खोलना। खोलने के लिए ये 220 प्लस खुल जाएगी 230-240 तक, बट उसके लिए एक बढ़िया हाईवे चाहिए एंड दूसरे की गाड़ी वैसे भी इतनी खोलनी नहीं चाहिए, जब अपनी आएगी तो उसे ही खोलेंगे। एंड इस बाइक को हाईवे में फेलने में इतना मज़ा आ रहा है ना, आपको एक पंच देती है ना जब बाइक, तो आपको मज़ा आता है भगाने में। जैसे देखो मैं बताता हूँ, बाइक को जब आप बोलते हो ना गियर में दूसरे तीसरे गियर में, तो बाइक आपको पीछे फेंकती है, तो तब मज़ा आता है बाइक को भगाने का असली। मेरठ हाईवे में अभी हम लोग हैं एंड मेरठ हाईवे लगभग ख़त्म ही होने वाला है और देहरादून काफ़ी पास है, लगभग 25 किलोमीटर रह रखा है अब। एंड हम लोग थोड़ा रुके थे ब्रुकन भाई एंड विराज भाई के लिए, वो लोग अब जा चुके हैं आगे, मास्क ही मेरा आगे चल रहा है। एंड इसे चलाने में जितना बताऊँ ना उतना कम है कि कितना मज़ा आ रहा है, और लगभग 8:30 तक हम लोग पहुँचे अगर, सो अप्रॉक्स 1 घंटा भी हमें लगने वाला है अगर हमें आगे ट्रैफिक नहीं मिला तो। बट गोबरू की अच्छी बात है कि ये अंधेरा ना जब काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तब जाके दिखाता है, सो आप लोगों को भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि अंधेरा हो गया, बट अंधेरा काफ़ी हो चुका है।
क्या खुल रही है यार भाई, मक्खन एकदम। एंड स्लिप ऑन एग्जॉस्ट भी इसका चिंगाड़े मार रहा है एकदम। अगर फुल सिस्टम होता ना तो अभी तक कान में दर्द हो चुके होते हैं। अभी जितनी आवाज आ रही है वो सूदिंग आवाज है, इतनी है कि हम झेल सकते हैं अगर आप लंबी राइड पे ले जाओ तो। सो थोड़ा ये भी फायदा होता है स्लिप ऑन लगाने का। काफ़ी देर से हम जाम झेल रहे हैं एंड ये जाम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। लगभग 10 किलोमीटर आ चुके होंगे हम ट्रैफिक में ही, बट फिर भी ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है ट्रैफिक। एंड ये रूट जो डाटकाली से पहले बढ़ता है ना, यहाँ पे ट्रैफिक रहता ही है हमेशा, क्योंकि बहुत ही पतला हो जाता है यहाँ पे रूट। एंड बाइक भी है काफ़ी इजी टू हैंडल है, तो इस वजह से ही थोड़ी देर चला के हाथ बैठ चुका है, तो मुश्किल नहीं हो रही इतनी जाम से निकालने में, आसानी से निकल जा रही है। बट जाम काफ़ी लंबा हो चुका है एंड इतनी देर बाइक चला के हाथ पूरे दर्द हो चुके हैं और 8 लगभग बज चुके हैं। अब हमें 1 घंटा और लगेगा लगभग घर पहुँचने में। तो अब आप लोग लो थोड़े से टनल में सुपर बाइक की साउंड के रिएक्शन। फ्लाईओवर से ऊपर ISBT फ्लाईओवर पे पहुंच चुके हम एंड ब्रोकन भाई और मैं आगे से जाके राइट ले लेंगे अपने घर के लिए। सो गाइस ब्रोकन भाई भी जा चुके हैं अपने घर एंड देहरादून हम लोग पहुंच चुके हैं और मेरा घर ऑलमोस्ट होगा यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर। सो मैं जा रहा हूँ अपने घर। इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर सुपर बाइक कंटेंट एंड हाईवे राइड वगैरह आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट डाउन करके बताना, हम फिर मैं आगे भी ऐसे कंटेंट लाऊंगा। वैसे कुछ टाइम बाद आगे सुपर बाइक कंटेंट ही आने वाला है, सो इसलिए हम अभी से हाईवे राइड वगैरह जाते रहते हैं। एंड आसपास हम बहुत जा चुके हैं यार, इसलिए अब हाईवे राइड करना ही सही लगता है।